तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कॉन्टीन्यूअस लिमिट, अभी हमने लिमिट की बात करी, कॉन्टीन्यूस की बात नहीं करी, तो लिमिट को ही फोकस करने वाले हैं। तो लिमिट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने के बाद मैं आप बच्चों क्या करवा रहा हूँ, इसे कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हर बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख के फिर इसके क्वेश्चन करना, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तीन बातें दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ, तो समझो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तीन बातें याद रखनी है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा रैशनलाइजेशन मेथड, नंबर थ्री यूजिंग फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ सबको फॉर्मूला याद है। तो क्वेश्चन नंबर वन देखो, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, ऊपर लिखा एक्स की पावर थ्री माइनस 27 अपॉन में एक्स माइनस थ्री। तो अगर मैं देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ तो नीचे क्या बन जाएगा, जीरो है ना, थ्री में थ्री गया जीरो। तो क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी चाहिए, नहीं। पहला स्टेप तो कम से कम कन्फर्म हो गया कि भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। एक्स की पावर थ्री, चेक करो 27 किसको 27 क्या लिख सकते हैं ये बताओ मुझे, थ्री का क्यूब और डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री। ऊपर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाय x माइनस थ्री, ये कैंसिल। हाँ जी, तो आपके पास लिमिट x टेंड टू थ्री ये बचा। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, अब क्या बचा हुआ है, वन। थ्री पुट कर दो यहाँ पर, थ्री का स्क्वायर नाइन, ये तो ऑलरेडी नाइन है, थ्री थ्री जा नाइन, तो क्या आंसर आ जाएगा 27। पास में आई, अगर हम थ्री की तरफ मूव करते हैं, एक्स टेंस टू थ्री, एक्स थ्री की तरफ जाता है, तो हमारा आंसर किसके पास पहुंचता है, 27 के पास। तो लिमिट्स का मतलब यही होता है, याद रहेगा। तो इसमें हमने कौन सा लॉजिक लगाया, यूजिंग, हाँ जी फॉर्मूला तो लगाया ही नहीं, यूजिंग फैक्टराइजेशन। मैंने एक्स की पावर थ्री माइनस 27 के फैक्टर बनाए, तो ये रहे फैक्टर्स, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मतलब। तो तीन ही कॉन्सेप्ट आपको जानना है, फैक्टर, रैशनलाइजेशन, यूजिंग फॉर्मूला। इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं, ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड से चलते हैं, क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। अगर आपने देखो चेक करो डिनोमिनेटर में, अगर मैं वन पुट कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा नीचे, जीरो। तो क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी चाहिए, नहीं। आपने कहा कि सर डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला फैक्टर, चेक करो क्या फैक्टर बन सकते हैं, क्या बोलो, क्यों नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, मुश्किल है, कर सकते हैं फैक्टर से भी कर सकते हैं वैसे, एक फैक्टर वाला तरीका है। दूसरा रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन तो बात करेंगे नहीं, हटाई दो, और यूजिंग फॉर्मूला। तो देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, पहले हम फॉर्मूले की बात दोनों तरीके से कराऊंगा आपको, मैं से आपको मैंने एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस वन। याद रखना फॉर्मूला देखो क्या था, समझो दो मिनट बाद में कॉपी करना। तो n जो ये होता है ना बच्चों, पहले यहाँ पर आता है, ठीक है, और x टेंस टू a, ये a है वो x टेंस टू की ये दे रखा है a की पावर n माइनस वन। तो देखो यहाँ पर चेक करो, x की पावर फोर, तो क्या मैं वन की पावर फोर भी नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि वन की पावर फोर करोगे तो भी क्या आंसर आएगा, वन ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x की पावर फोर माइनस वन की पावर फोर, तो देखो फोर n की जगह क्या दे रखा है, फोर, ठीक है, एन की जगह फोर हो गया, मिल गया एन, और ए की जगह क्या है वन, और एक्स माइनस ए, देखो एक्स माइनस वन, ठीक है, सब कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एन मल्टीप्लाई ए की पावर, तो देखो एन क्या है फोर, मल्टीप्लाई ए की जगह वन की पावर फोर माइनस वन, फोर मल्टीप्लाई वन की पावर थ्री, और क्या आंसर आ गया ये, फोर, फोर तो कहीं ही नहीं, ये आंसर फोर ही है इस जगह, मैंने थोड़ा गलत लिखा, क्या आएगा इस जगह फोर। तो क्या आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब वो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू, भाई कहता है एक्स टेंस टू टू, और ऊपर देखो क्या लिखा है, एक्स की पावर एन माइनस टू की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस टू इजिकल टू 80। यहाँ आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 80, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फॉर्मूला लगाओ उसको, एन मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस वन इजिकल टू 80, n की जगह क्या आएगा, n ही आएगा, a की जगह 2 की पावर n माइनस वन,
एन माइनस वन। अब बताओ क्या हो सकता है, सॉल्व करना। देखो सोचो कुछ हो सकता है। एन मल्टीप्लाई टू की पावर एन अपॉन में टू, समझ में आया क्यों? मैंने तो क्या किया, पावर अगर नेगेटिव में होती है ना तो मैं देखो जब भी इसको मैंने ऐसे लिखा 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर 1, क्यों? अगर डिवाइड में बेस सेम है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर नेगेटिव की फॉर्म में हो ना बच्चों पावर, तो उसे क्या लिखेंगे, अपॉन फॉर्म में लिख देंगे 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर 1। अब इनटू में कितना हो गया, 80 इज इक्वल टू ये 2 जो डिवाइड वाला है इनटू में भेज दो 2 की पावर n मल्टीप्लाई n, ये कितना हो गया यहाँ पर 160, कितना हो गया यहाँ पर 160। और लॉजिक लगाओ कुछ भी, एन कैसे निकल सकता है 5। अब अगर ऑप्शन पे तो चलते हैं, अगर एक काम कर दूंगा मैं 4 लिख दूं, मैं 2 की पावर 4 इंटू में 4, 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 × 4 × 8 = 16, 64 ये तो आंसर गलत है, हटा दो, हमें 160 लेके आना है। 2 रख के देखो, 2 पे बात नहीं बनेगी, 5 रख के देखो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 5 2 × 4 × 8 × 16 = 32, 32 मल्टीप्लाई 5 160, बात बन गई ना। तो आंसर नंबर सी। तो कई बार आप इसे आंसर से भी जज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये आपने किससे किया, यूजिंग फॉर्मूला। अब देखो रुको, मैंने आपको बोला ना इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे? तो x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, लिख सकते हैं डिवाइड बाय x माइनस 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, इसको एक स्टेप में और लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, 2 2 जा क्या आएगा 4, चेक कर लो। बट थोड़ा सा लेंथी पड़ा ना, कुछ थोड़े स्टेप करने पड़े। तो आपने इस क्वेश्चन को जज किया, फैक्टर से भी कर सकते हो और यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा ईजी था, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते आंसर आ जाता है, तो बात समझ आ रही है। तो आपको यूजिंग फॉर्मूले की बात करनी है, इस दो क्वेश्चन में डाउट से नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 और रूट में है 3 प्लस x माइनस रूट 3 अपॉन में x, तो चेक करो क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट हो सकती है, हाँ या ना, नहीं, क्यों? डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। तो आप इसमें लॉजिक बताओ कि कौन सा मेथड यूज करें, फैक्टर बनाएं, रैशनलाइज करें, कुछ भी। आपको बच्चों मैंने एक बात याद होगी, मैं बताया था रैशनलाइज मेथड कब लगाते हैं, जब दो वेरिएबल के बीच में प्लस हो या माइनस हो, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ भाई देखो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3, तो रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 डिवाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3 और डिवाइड बाय रूट में 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3, कोई डाउट आता है? मैंने क्या करके रैशनलाइज कर दिया। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर देखो हमेशा आपने देखा होगा नीचे वाले का रैशनल ऊपर तक करते हैं ना, ऊपर प्लस माइनस, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो न्यूमरेटर है उसको भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि चेक कर लो अगर मैं इसे काट दूँ तो क्या कट के तो वही बात बचेगी ना जो था आपके पास, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर 3 प्लस एक्स का रूट का स्क्वायर करूँगा तो रूट से स्क्वायर कट के क्या बचेगा 3 प्लस एक्स माइनस 3 बचेगा, इधर एक्स मल्टीप्लाई रूट में 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3, 3 से 3 कट गया x अपॉन में x मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3, ठीक है ना, ये लिख दो लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 पुट कर दो 1 अपॉन में, 0 पुट करते हैं बचा रूट 3 प्लस रूट 3 तो हो गया ये 2√3, कोई दिक्कत, 2√3 कहीं ऑप्शन नंबर नहीं मिल रहा है, एक काम करो उसको रैशनलाइज कर दो, 2√3 ऊपर भी कर दो 2√3, तो क्या आंसर आएगा 2√3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
रूट थ्री अपॉन में सिक्स चेक कर लो, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी पे। अगर आपका आंसर ऑप्शन में यही होता ना वन बाय टू रूट थ्री तो वहीं पर टिक करते, बट ऐसा था नहीं, इसलिए मुझे दो स्टेप और करना पड़ा फाइनली आंसर जानने के लिए। ठीक है, कोई डाउट्स क्वेश्चन के अंदर? पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर टू एक्स माइनस e की पावर थ्री एक्स अपॉन में एक्स, क्या डेट वैल्यू पुट हो सकती है? नहीं। और ऐसे क्वेश्चन में तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना यूजिंग फॉर्मूले वाले होते हैं, हम यहाँ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक बार बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, वन। फॉर्मूला यही था, चेक कर लो। अब दो मिनट रुको, अगर मैं कुछ कॉमन ले सकते हो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? e की पावर टू एक्स माइनस e की पावर थ्री एक्स में क्या कॉमन है? e की पावर टू एक्स, ठीक है, वेरी गुड। e की पावर टू एक्स बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचेगा? वन। या तो एक काम करो ना, क्या वहां से आपने बोला वन माइनस e की पावर x अपॉन में, ठीक है, अगर मैं ऊपर से माइनस ही बाहर ले जाऊं तो क्या बचेगा? e की पावर x माइनस वन अपॉन में x, ठीक है ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। अभी चेक करो, ये तो बन गया क्या वन, क्या बन गई? चेक करो, अगर लिमिट x टेंस टू जीरो हो तो ये क्या बन जाता है? वन। इसका तो खेल खत्म। तो माइनस e की पावर टू मल्टीप्लाई जीरो और मल्टीप्लाई क्या ले देंगे? वन, क्योंकि इसका आंसर क्या आ चुका है ऑलरेडी? वन आ चुका है। टू मल्टीप्लाई जीरो, जीरो, किसी की पावर जीरो हो तो क्या आंसर आता है? वन। तो माइनस वन मल्टीप्लाई वन क्या आंसर आएगा? माइनस वन। चेक करो ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह जज करना है, कोई डाउट मन में? पक्का इस नोट को फिर आगे देखते हैं। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्यान समझना क्वेश्चन क्या कहता है। लिमिट x टेंस टू जीरो टू की पावर x माइनस फाइव की पावर x अपॉन में x, चेक करो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, डेट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे हम? टू की पावर x है माइनस फाइव की पावर x, देखो एन आर तो ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है पहली बात, ना ही तो इसका रैशनलाइज हो सकता है, ना ही इसका फैक्टर बन सकता है, तो सॉल्व कैसे होगा? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको सामने मिले तो काम करना, एक ऐड करना, एक माइनस करना, सॉरी पहले माइनस कर दो चाहे ऐड कर दो और बाद में एक ऐड कर दो, ठीक है ना। वन को मैंने ऐड भी किया, वन को मैंने माइनस भी किया, ताकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिवाइड बाय एक्स, किसी भी नंबर को ऐड करने से और माइनस करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी, वो क्या है? ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? यही होता है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? अभी तो ऐसी फॉर्म बनी भी नहीं है, सिर्फ तो मैंने क्वेश्चन करा है, सॉल्व लिखा ही है। टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा फाइव की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, हाँ है ना, क्योंकि देखो एक्स पूरे के अपॉन में है, तो मैंने इसके अपॉन में अलग कर दिया, इसके अपॉन में अलग कर दिया, मैंने दो टर्म बना दी, एक को अलग और एक को अलग कर दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बताओ, पहले आ गया। यहाँ देखो लॉजिक देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये ए की जगह ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में क्या होता है इस जगह? ए नहीं हुआ, एक्स होगा इस जगह, चेक करो। ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स होता है बच्चों, से क्या आएगा? एक्स आएगा, ठीक है ना। अब देखो लॉजिक समझना, फॉर्मूला बन गया, चेक कर लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है? इज इक्वल टू लॉग ए, तो लॉग ए की जगह क्या आएगा? टू। इस वाले केस में क्या बनेगा? माइनस माइनस लगा दिया, लॉग फाइव। और लॉग एम, एक फॉर्मूला और देखो, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्लास ट्वेल्व में कितनी बार लगाया आपने फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्या होगा? लॉग एम अपॉन में एन, ठीक है ना। यहाँ माइनस है तो अपॉन की फॉर्म में, प्लस होता तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो लॉग एम अपॉन में एन, तो टू अपॉन में फाइव, कोई दिक्कत आता? ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया सबको? पक्का।
दो क्वेश्चन नंबर सेवन तक पढ़ो क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर टू अपॉन में एक्स माइनस टू। तो यहाँ वाले क्वेश्चन में अपने टू पुट करने से क्या बन जाएगा नीचे, जीरो, राइट वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आप इसे लेट कर लो एक्स माइनस टू इसको थीटा, ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे क्लास सेवन में जिसमें थीटा लेट करते थे, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस टू। देखो एक्स टेंस टू पहले टू था तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, वो जीरो, क्योंकि अगर मैं टू पुट करूँ तो टू में से टू गया, थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, जीरो। तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। तो जैसे ही हम इसे किसी चीज़ को लेट करेंगे ना बच्चों, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। पहले एक्स की फॉर्म में था, वो किसकी फॉर्म में आ गया, थीटा की फॉर्म में। ई की पावर, तो वो एक्स की जगह आप क्या ले सकते हो, चेक करो, थीटा प्लस टू, वेरी गुड, माइनस ई की पावर टू अपॉन में थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है, ई की पावर थीटा प्लस टू क्या लिखेंगे हम, ई की पावर थीटा मल्टीप्लाई ई की पावर टू, सही है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी थीटा प्लस टू। या तो कोई डाउट उनमें नहीं है, माइनस ई की पावर टू डिवाइड बाय थीटा, कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर टू, तो ई की पावर थीटा माइनस वन अपॉन में थीटा। यहाँ भी फॉर्मूला बन गया, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स इज इक्वल क्या होता है बच्चों, वन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या करिए, यहाँ पर क्या लग रहा है वाला है वन, तो e की पावर टू मल्टीप्लाई वन, आंसर आ गया e की पावर टू, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट करते हैं बच्चों, ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू जीरो, फाइव की पावर x माइनस वन, और डिवाइड में क्या गिवन है, अंडर रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू। तो क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, आपने करा होगा, चेक किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जितना समझ में आ गया आपको। बच्चों मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर में किसकी फॉर्म में हो, माइनस या प्लस की फॉर्म में, तो क्या करते हैं जिसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं फटाफट। देखो फाइव की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई फोर प्लस एक्स रूट के अंदर प्लस टू डिवाइड बाय रूट फोर प्लस एक्स प्लस टू। कोई डाउट यहाँ तक, फाइव की पावर एक्स माइनस वन और मल्टीप्लाई में पूरा लिख दो फोर प्लस एक्स रूट प्लस टू, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा केवल आपके पास, फोर प्लस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया क्या कैसे क्या बनाया था, ठीक है। तो ध्यान दो आपको उसका क्या बच गया, फाइव की पावर एक्स माइनस वन ब्रैकेट में रूट फोर प्लस एक्स प्लस टू और डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। यहां तो देखो फॉर्मूला बन गया, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, क्या बन गया ये, लॉग ए होता है फॉर्मूला, तो लॉग ए की जगह क्या गिवन है फाइव, तो यहाँ तो बन गया लॉग फाइव मल्टीप्लाई, और यहाँ हम क्या पुट करेंगे जीरो। तो देखो जैसे ही मैंने जीरो पुट किया तो रूट क्या सिर्फ क्या बन जाएगा रूट फोर, और रूट फोर मतलब क्या होता है टू, और टू प्लस टू फोर, तो फाइनली आंसर आ गया फोर लॉग फाइव, ऑप्शन नंबर बी। मुश्किल था, इजी था, ठीक था। क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा सा अलग लाइव लॉजिक का, ध्यान देना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स माइनस फाइव की पावर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, ठीक है, या टेन के ऊपर भी एक्स है, टू के ऊपर भी एक्स है, फाइव के ऊपर भी एक्स जगह दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, किसी एक का फैक्टर बनाओ, टेन को क्या ले सकते हो टू की पावर एक्स मल्टीप्लाई फाइव की पावर एक्स, ठीक है, हाँ ना। अब रुको, माइनस टू की पावर एक्स माइनस फाइव की पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ है ना, और ऐसे इसमें बात करेंगे। आपने क्या बोला कि सर टू की पावर एक्स, ठीक है, ये तो बोला, क्या कॉमन, जो कॉमन ले लिया टू की पावर एक्स, क्या बचेगा अंदर फाइव की पावर एक्स माइनस वन, हाँ है ना, चेक कर लो पक्का। यहाँ से आप माइनस वन बाहर ले जाओ तो फाइव की पावर एक्स माइनस वन यहाँ बचेगा, फिर दो माइनस कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो बात समझ आ रही है। और डिवाइड में क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, टू की पावर एक्स माइनस वन विदाउट ब्रैकेट वाला एक साथ, और जो ब्रैकेट में है उसे एक साथ लिख दो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो,
टू की पावर एक्स माइनस वन, वही मैं सोच रहा था कि भैया इसे एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, समझ में आया क्यों? और देखो यहाँ पे लॉजिक देखो, यहाँ पे क्या बन गया लॉजिक, लॉग टू, और ये क्या बन गया लॉग फाइव, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे लॉग फाइव। अब देखो लॉग एम मल्टीप्लाई लॉग एन, लॉग एम एन गड़बड़ हो गई, आंसर दे रखा है सी पार्ट, वो मतलब वो मैं लॉजिक लगा था, गलत लगा था, वो कब लगाते हैं जब बीच में क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, समझ में लॉजिक, तो आपका आंसर क्या आ गया सी, इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर टेंथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में बेस्ड है, यहाँ पे हमने साइन की बात करी है, साइन टू प्लस एक्स माइनस साइन टू माइनस एक्स अपॉन में एक्स, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो नीचे क्या बन जाएगा जीरो। तो देखो यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे हम, साइन ए इसको मैंने बोला ए और इसको मैंने क्या बोला बी, साइन ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला को मैंने पता है याद करवाया था कब, मैंने क्या बताया ट्रिग्नोमेट्री का यूज हर जगह, इलेवंथ में भी काम आया, ट्वेल्थ में भी काम आया, अब कब काम आ रहा है ये सी यू टी में भी काम आ रहा है। तो ये जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, अगर अपने अच्छे से फॉर्मूला याद कर लिया हर जगह बेनिफिट मिलने वाला है इसका, और अगर याद नहीं किया तो आपका नुकसान कई जगह हो सकता है, ये तो खुद दिख रहा है। तो साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला होता है टू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय टू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय टू, और अगर एक फॉर्मूला मैं और लिख दूं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस जगह, साइन ए प्लस साइन बी होता तो अगर हम पीछे प्लस है ना बच्चों तो साइन वाला आगे आ जाएगा, टू साइन ए प्लस बी अपॉन में टू कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, याद करने का तरीका देखो बीच में प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में, और बीच में माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में, इस तरह से याद कर लो कि जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टू का टू रहेगा कॉस ए प्लस बी, टू प्लस एक्स और टू माइनस एक्स को ऐड करो, टू प्लस एक्स प्लस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है। और यहाँ बच्चे यहाँ लिखेंगे साइन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, फिर साइन ए माइनस बी, टू प्लस एक्स माइनस टू, और देखो माइनस माइनस मैंने डाइट कर दिया कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या कट सकता है टू से टू कट जाएगा, क्या बचा चेक कर लो, और डिवाइड में क्या रखेंगे एक्स, टू का टू, टू प्लस टू फोर, फोर बाय टू, फोर बाय टू टू साइन, इसको ऐसे लिख दो ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस एक्स टू एक्स अपॉन में टू, और डिवाइड बाय एक्स, टू से टू, आपके पास क्या क्या रह गया ये चेक करो, आपके पास बचा है टू कॉस टू साइन एक्स अपॉन में एक्स, चेक करो ये क्या बन गया वन, याद है ना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फॉर्मल लिखवाया मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन में, अपॉन में एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या बन जाता है वन। तो देखो इस क्वेश्चन में इसका भी यूज हुआ, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हुआ, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये। तो आपने क्या नोटिस किया टू कॉस टू मल्टीप्लाई वन, फाइनली क्या आंसर आएगा टू कॉस टू, चेक करो ऑप्शन नंबर डी, मन में डाउट इस क्वेश्चन को लेकर कुछ भी पक्का। तो पहले घर जाके क्या काम करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद करने, इसे नोट करूँ।